हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मेरे से काफ़ी सारे बच्चे तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जितने भी बच्चों ने मेरे से सवाल किए हैं उस बेसिस में ये वीडियो लेकर आई हूँ। तभी आप ये वीडियो ओपन करके देख रहे हो। अगर इससे पहले अगर आप पीएच इंफोपीडिया के चैनल पे लाइक फर्स्ट टाइम आ रहे हो या आपने ये वीडियो नहीं देखी हो, तो पहले अगर आपने हमारी पहले वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें आपकी नीड है सपोर्ट की। बेसिकली ये वीडियो है सेफ साइड को लेके। मैं सेफ साइड क्यों कह रही हूँ, कट ऑफ भी बोल सकती थी, लेकिन कट ऑफ मैं अभी डिक्लेयर नहीं कर सकती क्योंकि अभी एग्जामिनेशन पूरी तरीके से हुए नहीं है और मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के नाम पे आपसे झूठ भी नहीं बोलना चाहती हूँ। हाँ, आप लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं, लाइक आप लोग स्ट्रेस में भी होगी कि कोई ना कोई इतना स्कोर बता दे जिससे आपको लगे कि आपका एडमिशन हो रहा है, या आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो। बेसिकली पीजी स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन देखने जा रहे हैं वो भी ये वीडियो को पूरी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि मैं अगर आपको कुछ नंबर्स बता दूंगी या फिर आपको एक सेफ साइड बता दूंगी तो आप उतना या फिर उससे ज्यादा स्कोर करने का सोचोगे। लेकिन आप प्रिपरेशन कर रहे हो या रिविजन कर रहे हो या जिनका फेस टू में एग्जामिनेशन अभी होल्ड पर है, होने वाला है, बेसिकली ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल होगी। और जिन्होंने एग्जामिनेशन दे दिया है और आप होप कर रहे हो कि इतना स्कोर आ जाएगा, तो अगर ये दीदी बता देती है कुछ नंबर तो हमारे लिए वो अच्छा होगा। तो बेसिकली मैं यही बात करने आ रही हूँ। मैं ज्यादा देर तक आप लोगों से बातें नहीं करूंगी, मैं कुछ नंबर्स भी बताऊंगी, आपके लिए हेल्पफुल होगा। और ये वीडियो अगर आप पूरी एंड तक देख ले रहे हो और फिर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो बता देना, और वीडियो अच्छी नहीं भी लगती है, कुछ इंप्रूवमेंट करना होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में सजेशन भी दे सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो जो आपका मन हो। तो बात करते हैं सीयूईटी का जो एग्जामिनेशन हुआ है फेज वन जुलाई में, उसकी बात करते हैं। उसके अकॉर्डिंग मैंने 3-4 ही बच्चों से बात की, मैंने जब ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया है सीयूईटी पे तो मैं ऐसे झूठ नहीं कह सकती कि हाँ इतने बच्चों से मेरी बात हुई है। मेरी ऑनेस्टली 3-4 बच्चों से बात हुई है और लिटरली मेरे पास एक ऐसा मैसेज आया था कि दीदी आप प्लीज़ एक नंबर बता दो कि जिसमें मुझे लगे कि मेरा एग्जामिनेशन बहुत अच्छा हुआ है, मुझे एडमिशन मिल जाएगा मेरे प्रेफरेंस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अकॉर्डिंग। ऐसा मेरे पास एक मैसेज आया था, मतलब लेट में जब एग्जामिनेशन देकर बच्चा लौटा था उसका एक मैसेज आया था मेरे पास। तो मैंने बोला कि मैं ऐसे आपको झूठा दिलासा कुछ नहीं देने वाली हूँ, हाँ मैं एनालाइज करने के बाद एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, आप वो वीडियो देख लेना। तो अगर आप वो वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। तो बात करते हैं फेज वन में हुआ था बीए से रिलेटेड मैं बात करूंगी, बीकॉम से रिलेटेड भी बात नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे जो 3-4 बच्चे मेरे से ऑनेस्टली जिन्होंने बताया उनके हिसाब से ही मैं बात करूंगी। मैं कुछ भी कहते हैं ना कि इसको बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। तो बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको जीटी कहा गया था। 75 क्वेश्चंस में आपको 60 क्वेश्चंस बनाना था। मेरे हिसाब से अगर आप अपने पेपर का अब के पेपर में जितने क्वेश्चंस हुए थे उसमें से अगर 60 to 65 मार्क्स की बात कर रही हूँ, क्वेश्चंस की बात नहीं कर रही हूँ, 60 to 65% में अगर आपका मार्क्स आ जाता है उस पूरे पेपर का, अगर आपका पेपर 500 मार्क्स का आपने अटेम्प्ट किया है जिसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज आ जाता है और आपको यूनिवर्सिटी चाहिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम 500 मार्क्स की। मेरी मार्कर हमेशा नहीं चलती है, तो 500 मार्क्स की हम बात कर रहे हैं। तो 500 मार्क्स में अगर आप 60% स्कोर कर दे तो यानी कि मेरी मैथ्स भी खराब होगी, तो 300 से 325 तक अगर आप स्कोर कर लेते हो तो आपने जो अपनी यूनिवर्सिटी चूज की है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो भी आपने प्रीफरेंस दिया होगा सीयूईटी के फॉर्म को फिलअप करते समय, अगर आपका इतना स्कोर टच कर जाता है तो होपफुली आपको वो यूनिवर्सिटी मिलने से कोई नहीं रोकेगा। हाँ, सीयूईटी के नंबर्स अभी मैं नहीं बता सकती क्योंकि एग्जामिनेशन चल रहे हैं। पेपर इजी भी था, मॉडरेट भी था। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको जनरल टेस्ट कहा गया है उसका पेपर इजी था। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज इजी था, लेकिन डोमेन की बात करें तो पेपर जो था वो मॉडरेट था। मैं इसको लेके चल रही हूँ। तो अगर आपने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज देखा है तो आपका पेपर 500 मार्क्स का है। पीजी स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहे हैं या वो बच्चे वीडियो देख रहे हैं जो आगे चल के एग्जामिनेशन उनका फेस टू में अभी बाकी है, होना बाकी है, तो आपको अपने पेपर से इतना ही स्कोर करना है, इतने ही क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं जिसमें आपका 60 to 65 या 70 to 75% में मार्क्स, मतलब उस पेपर के मार्क्स आप कलेक्ट कर सको, एकदम एक्यूरेट होने चाहिए। 5 मार्क्स आपको मिल रहे हैं, अवॉर्ड किए जा रहे हैं आपके करेक्ट आंसर पे, 1 मार्क्स डिडक्ट भी किया जा रहा है आपके रॉन्ग आंसर पे। आप नेगेटिव चीज को ध्यान नहीं दे रहे हो, इस समय आप सोच रहे हो कि 5 नंबर है, ज्यादा अच्छा स्कोर करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ऐसा भूल के भी मत करना। हाँ, ये चीज मुझे बहुत पहले फेज वन वाली वीडियो में ऐसा कुछ कह देना चाहिए था जो कि मैं प्रोवाइड नहीं कर पाई, दैट इज माई थिंग कि मैं कुछ इश्यूज की वजह से नहीं प्रोवाइड कर पाई, लेकिन अभी भी टाइम है। और अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो, आपने माइंड में पेपर आप देकर आए हो और उसके बाद आपके पास ये पेपर एनालाइज आपने खुद किया है, तो ये स्कोर इज नॉट बहुत ज्यादा,
ये एक एवरेज स्कोर है, इसके नीचे भी अगर आपके मार्क्स आएंगे ना तो ऐसा नहीं है कि आपको यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। हाँ, जो प्रीफरेंस जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज है वो नहीं मिलेगी, लेकिन अदर जितने भी कॉलेजेस होंगे और उसमें अगर आपके कोर्स के हिसाब से सीट्स होंगी तो वो चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। एडमिशन का प्रोसीजर बहुत बड़ा होने वाला है, ध्यान रखना, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, आपके पेपर का 60-65% अगर आप स्कोर कर दे रहे हो, 500 अगर आपका मार्क्स है पेपर का टोटल, अगर आपका एडमिशन 500 मार्क्स का इन हैंड होने वाला है, उसमें अगर आप 300 से लेके 325 या 350 आपका टच हो रहा है, तो टोटल में से आपने जितनी भी प्रेफरेंस भरी होगी तो टॉप यूनिवर्सिटीज मिलने के चांसेस बनेंगे। ये सारी चीजें क्या है, सेफ साइड पे मैं बता रही हूँ, ना ही एक्सपेक्टेड है ना ही एक कट ऑफ है। ये सारी चीजें एग्जामिनेशंस के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो एडमिशंस करा रहे हैं एनटीए वो सब कुछ डेटा प्रोवाइड करेंगे, हम कुछ भी नहीं होते हैं, वी आर जस्ट गिविंग यू अ अप्रॉक्सीमेटली चांसेस ऐसे ही होंगे। इससे नीचे भी अगर मार्क्स आते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप पैनिक कर जाओ ये वीडियो देखने के बाद, आपके पास चांसेस हैं क्योंकि और भी पार्टिसिपेंट की थी, और भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं जहां पे आपके स्कोर के हिसाब से आपकी रैंक के हिसाब से और आपका जो एनटीए मार्क्स प्रोवाइड करेगा, क्योंकि अभी एडमिशन प्रोसीजर बहुत लंबा होगा, एक बार ही एंट्रेंस हो जाने के बाद आंसर की आती है, आपको क्वेश्चंस नजर आते हैं, आप आंसर्स देख सकते हो, उसके बाद आपकी रैंक वगैरह आती है, फिर आपकी जो काउंसलिंग प्रोसीजर होगी वो भी थोड़ी लंबी होगी, उसको भी आपको समझना होगा, पैनिक नहीं करना होगा। तो फिर से मैं बोल दे रही हूँ, 60-65% आपके पेपर का जो स्कोर होगा टोटल स्कोर में से अगर आप उतना गेन कर लेते हो तो टॉप यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी। तो सेफ साइड यही लेके चलना, इससे ज़्यादा नहीं कराओगे तो आपको आसानी से यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, वो आपको कोई रोकेगा नहीं, लेकिन अगर आपने लैंग्वेज में आपके पास 50 क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन अगर आपको बोला गया था बनाने को, तो 25 से 30 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए। अगर आपके पास जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट था उसमें से 75 क्वेश्चन में से आपको बोला गया था 60 क्वेश्चन बनाने हैं, तो आपके 35 से 40 क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए। अगर आपका डोमेन था उसमें 50 क्वेश्चन थे, वही 40 क्वेश्चन आपको बनाने थे, तो फिर से मैं बोलूंगी 25 से 30 क्वेश्चन अराउंड अगर आपका सही होगा तो आपको क्या मिलेगी, आपकी टॉप यूनिवर्सिटीज मिलने के चांसेस हो, मार्क माई वर्ड्स, ओके, 60-65% ऑफ द टोटल नंबर जो आपका पेपर का आने वाला है उसमें से अगर आप स्कोर कर लेते हो तो आप एकदम सेफ साइड पे हो। अगर ये वीडियो यहाँ तक आपको पसंद आई है तो आप कमेंट करके या लाइक करके और इसको शेयर करके दूसरों तक भी पहुँचा सकते हो, नहीं तो कोई सजेशन देनी है किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके भी बता सकते हो। और हाँ, परेशान नहीं होगे, पैनिक नहीं होगे, ये सारी चीज़ें क्या है, एक अजम्पशन है, कोई भी चीज़ एक्यूरेट नहीं है। मैं आप लोगों के डाउट्स को क्लियर आउट करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, मेरे पास कोई डेटा नहीं है कि कितने बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है, कितने बच्चे प्रेजेंट थे एग्जामिनेशन हॉल में, कितने बच्चों ने कैसा एग्जामिनेशन दिया है, पेपर का लेवल कितना ईजी और कितना डिफिकल्ट और कितना मॉडरेट है, अभी पूरी तरीके से पेपर हुए भी नहीं है। और पीजी स्टूडेंट्स माइंड सेट करके जाना, यूनिवर्सिटीज़ में सीट्स कम होती हैं, अगर आपने टॉप यूनिवर्सिटीज़ भरी होंगी तो आपने खुद एनालाइज़ किया होगा कि सीट्स कम होती हैं तो पेपर, अगर पेपर इजी होता है तो कट ऑफ हाई होता है, अगर पेपर मॉडरेट होगा तो एवरेज कट ऑफ होगा, और पेपर अगर डिफिकल्ट होगा तो कट ऑफ गिरता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का, एक ये इकोनॉमिक्स का रूल्स है जो मैं आपके पास प्रोवाइड कर रही हूँ, इट इज़ अ सेंस ऑफ ह्यूमर, यूज़ करना है। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, साइनिंग ऑफ।